TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमें एक ये माइक्रोवेव है जिसकी पीसीबी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी और इसका कहीं पे भी पीसीबी नहीं मिल रहा था और कहीं पे भी इस तरह की माइक्रोवेव जो कबाड़ी वालों के पास में पुरानी आ जाती है उनकी पीसीबी वगैरह मिलती है, तो इस तरह की कोई पीसीबी मुझे अवेलेबल नहीं हो रही थी। और मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि कस्टमर केयर में सर्विस सेंटर में मैंने कांटेक्ट किया था तो सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि हम अवेलेबल करा देंगे लेकिन एक हफ्ता लगेगा और उसका खर्चा तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार रुपये होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इस पर 2.5 से 3 हज़ार रुपये खर्चा नहीं करना है, हमें इस पर तकरीबन 1000 रुपये से 1500 के आसपास में खर्चा करना है ताकि ये पूरी तरह से उसी तरह से वर्क करें जिस तरह से हम पीसीबी में करें। तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था और कई लोगों के जवाब भी आए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी किया है और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है। तो फ्रेंड, जैसे कि कमेंट्स बॉक्स में जिन्होंने कमेंट्स किए थे, जैसे आशुतोष अग्रवाल जी और मोहम्मद उस्मान अली और परमजीत बिंदर जी और प्रिंस, इन चारों ने जो जवाब दिया था, इन चारों का जवाब जो था बिल्कुल सेम था। और आप कमेंट्स बॉक्स में जाके देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, उनके जवाब सेम थे जैसा कि मैंने इन सबका नाम लिया है। और इन्होंने यही जवाब दिया था कि सिंपल ओवन का टाइमर लगा लीजिए और एक सिलेक्शन स्विच लगा लीजिए ताकि ये उसी तरह से वर्क करे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इसमें सिलेक्शन बटन लगाया है और ये जो नीचे है ये टाइमर है, तो दो स्विच लगाए हैं और जो ऊपर डिस्प्ले वाली जो जगह थी मैंने यहाँ पे LED इनकी लाइट लगाई है जिससे हमें ये पता चलेगा कि अभी इस वक्त कौन सी चीज़ चल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो हीटिंग रॉड है और एक मैग्नेट रॉड है, तीन ऑप्शन है गर्म होने के। तो मैग्नेट रॉड हमेशा ऑन रहती है, चाहे हमें थोड़ी सी सब्जी गर्म करनी हो या कोई चीज़ को थोड़ा सा पकाना हो तो उसके लिए हमेशा मैग्नेट रॉड ऑन होती है। और माइक्रो ओवन के अंदर मैग्नेट रॉड का सबसे बड़ा काम होता है। और रही हीटिंग रॉड की बात, तो इसमें हीटिंग रॉड तब काम आती है जैसे हम कोई तंदूरी आइटम बना रहे हो, तो फॉर एग्जांपल हम नॉनवेज आइटम बना रहे हो, तंदूरी चिकन बना रहे हो या इस तरह का कोई आइटम बना रहे हो, तो हमें उन सारी हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है उस नॉनवेज आइटम को पकाने के लिए, तो कि वो अंदर तक पके। तो ये सारी चीज़ें इसमें चालू होनी चाहिए थी। अगर हम चाहते तो खाली सिंपल सा एक टाइमर लगा करके इसे मैग्नेट रॉन ऑन कर देते और मैग्नेट रॉन जो है वो सिंपल काम करता, आप 5 मिनट या 2 मिनट कोई भी चीज़ इसमें रख दीजिए वो गर्म हो जाती, पक जाती, आप केक भी पकाते तो इसमें सिंपल सा केक भी पक जाता उससे। तो ये सारी चीज़ें एक मैग्नेट्रॉन से भी हो जाती, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें वर्क करवानी थी। और कई फ्रेंडों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि इसमें आप दूसरी पीसीबी लगा लीजिए, वो उसी की तरह वर्क करेगी और उसके कनेक्शन आप उसी तरह कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसमें 2.5-3 हज़ार रुपये खर्चा नहीं करना था, हम चाहे तो वो भी लगा सकते थे लेकिन हमें इतना ही करना था कि ताकि 1000 से 1500 रुपये के आसपास इसका जो है खर्चा हो और इतनी ही कॉस्ट इसकी बैठे। तो फ्रेंड ये वो वाली पीसीबी है जो ख़राब हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, इसमें से हमने निकाली है और ये अब कोई काम की नहीं रही। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक ऊपर सिलेक्शन बटन लगा दिया, नीचे मैंने टाइमर लगा दिया, अब ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। अब ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया, काफ़ी लेट हो गया, तो मेरे पास भी क्या है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फ्रेंड मुझे सवाल जवाब करते हैं व्हाट्सएप पे तो मैं उनके भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास में वाकई वर्कलोड जो है गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा है, एसी का काम, फ्रिज का काम और कई सारे पंखों के काम, तो ये मेरे पास में इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं कई फ्रेंडों के जवाब नहीं दे पाता। तो जैसे ही वर्कलोड कम होगा तो आपको वीडियो भी कंटिन्यू मिलेंगे, जैसे कि मेरे फ्रेंड कह रहे हैं कि सर प्लीज़ फ्रिज के ऊपर और रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, हमें कुछ बताइए। तो इस वीडियो के बाद में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्रिज सिंगल डोर और डबल डोर फ्रिज को मैं लेकर के आपको वीडियो जल्दी से जल्दी आपको दूँ बना के, और ताकि आप उसमें भी जो है पूरी तरह से वर्क करने लग जाए और उसके भी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको भी समझ में आ जाए।
तो बहुत जल्द मैं फ्रिज के बारे में भी इस वीडियो के बाद में तैयारी कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीक से आपको फ्रिज के और रेफ्रिजरेटर के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए 1 हफ्ते का। और इस वीडियो को देखिए आप, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट तक काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद में मुझे कोई और माइक्रोवेव के बारे में वीडियो बनाना पड़ेगा, तो फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो माइक्रोवेव के ऊपर बंद कर दूंगा। कई सारे होम अप्लायंसेस जो है अभी नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए माइक्रोवेव आएंगे, नए नए उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। कई माइक्रोवेव ऐसे आएंगे कि जिनमें एरर कोड आएंगे, जैसे कि एसी में आते हैं एरर कोड, तो ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी जिस हिसाब से जनरेशन चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग माइक्रोवेव अलग अलग तरीके के आते रहेंगे, तो मैं आगे भी नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आगे मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो प्लीज़ अभी थोड़ा वर्कलोड जैसे ही कम होगा, आपको नेक्स्ट वीक से मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से वर्कलोड कम हो जाएगा, तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो ये वीडियो में, इससे पहले वीडियो में जो मैं जैसे मैंने कहा था कि इस वीडियो इस माइक्रोवेव को 2-3 दिन में ठीक करके देना है, तो इस माइक्रोवेव को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, ये मेरे पास ही पड़ा है। और अब ये कल जाने वाला है, लेकिन मैंने इसका वीडियो मैंने पहले ही तैयार किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। काफ़ी लंबा वीडियो जाने वाला है, और मुझे लगता है कि ये 2 पार्ट में जाएगा, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है। मैंने अभी एडिटिंग शुरू की है, आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में भी अगर आपको कोई लगे कि आपके मन में कोई सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हम टेबल के ऊपर आ गए हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि ये वाला जो पावर का सप्लाई है, ये पावर सप्लाई जो इधर से सारे तरफ सप्लाई हो रही है, ये एक बोर्ड है पावर के लिए, और इसी में इसकी दूसरी वायर जो ये ब्लैक वाली जो पावर के लिए होती है, ये लगी हुई है, और इसे मैंने अभी हटाया है। तो अभी मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये कॉमन वायर है, ये सब में ऑलरेडी कनेक्शन हो रखे हैं इसके। और ये जो ब्लू वायर है, जो मैंने बताया था कि ये फेस है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ये अर्थिंग है और इसमें करंट है। तो ये जो ब्राउन कलर की वायर है, ये ऑलरेडी सब में कनेक्शन हो रखा है, इसे हमें छेड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूरे तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ यूज़ में आने वाला है और कौन सा कनेक्शन कहाँ यूज़ में आने वाला है। और मैंने बताया था वीडियो में कि आप हमेशा ये ढक्कन को ऑफ करके सारे कनेक्शन को आइडेंटिफाई करें। अगर ढक्कन खुला हुआ रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्विच लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को ढक्कन खोलते ही ऑफ कर देता है। तो हम ये ढक्कन को ऑफ करने के बाद ही बाकी सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आइडेंटिफाई कैसे करना है। सीरीज बोर्ड लेना है हमें, और सीरीज बोर्ड की एक वायर जो है हम कॉमन, वो इस ब्राउन वाले वायर में डाल देंगे। और इसका टेपिंग कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ये हिले नहीं और बाहर निकले भी नहीं। ये हमने इसके ऊपर टेपिंग कर दी है, और अब ये वायर जो है कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा सेफ्टी रहेगा। अब मैं सीरीज बोर्ड ऑन करता हूँ, चारों तरफ दिखते जाएगा। तो ये सीरीज बोर्ड मैंने अभी ऑन किया है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं, और इसकी प्लग जो है इस साइड में मैंने कर दी है। अब यहाँ पे बारी बारी से हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैग्नेट्रॉन ऑन करेंगे। मैग्नेट्रॉन की जो ये वायर है, ये वाइट कलर की वायर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ ट्रांसफार्मर में यहाँ लग रही है, और ये ब्लैक कलर की जो है कॉमन है, स्विच में लग रही है। स्विच में से रिटर्न जो वायर आ रही है, वो इस थर्मोस्टेट में होती हुई वापस रिटर्न जा रही है स्विच के अंदर। तो ये वो है ब्राउन कलर की वायर जो कॉमन में लगी हुई है। अब मैं आइडेंटिफाई करूँगा ये वाली वायर को, यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा और मैग्नेट्रॉन को ऑन करूँगा, तो आपको साउंड आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो जैसे ही वाइट में लगाऊंगा, ये ऑन हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ वाइट में लगाया है ट्रांसफार्मर में, तो बल्ब चल गया। इसका मतलब ये है कि ये चालू है, और यही वायर हमारी जो है वाइट वाली यूज़ में आने वाली है। और अब हम चेक करेंगे कि इसका जो फैन है मैग्नेट्रॉन के पास में, वो कहाँ से ऑन होगा, उसे भी आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये वाली जो कनेक्टर है, इसमें बल्ब का, फैन का
और अंदर चल रही है एक मशीन जो प्लेट को घुमाती है वो इसमें है, इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे जैसे ही टच करूंगा तो शायद पंखा चल जाना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे पंखा चल गया है। और जैसे ही येलो पे लगाऊंगा लाइट चलनी चाहिए। हाँ, लाइट भी चल रही है और अंदर की मशीन भी चल रही है। और जैसे ही मैंने ये रेड पे लगाया तो रेड वाली वायर जो है, जो मैंने पीछे की तरफ यहाँ पे मैंने एलिमेंट बताया था, यहाँ पे इस जगह पे इस एलिमेंट में जो फैन लग रहा है वो फैन के लिए ये रेड वाली लाइन है, और ये येलो वाली लाइन जो बल्ब और अंदर घूम रही मशीन के लिए है, और ये ऑरेंज कलर की वायर जो है इस फैन के लिए है जो मैग्नेट्रॉन को ठंडा रखेगी। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफाई। अब दूसरा आइडेंटिफाई करना है कि हमें रॉड चेक करनी है। हम जैसे ही रॉड चेक करेंगे तो बल्ब जो है फुल पावर में जलना चाहिए। तो मैं अभी चेक करता हूँ। बिल्कुल सही, इस कनेक्टर में ये ब्लू कलर की वायर जो है, ये बैक साइड में जो इस बैक साइड में जो हीटिंग रॉड लगी हुई है उसका कनेक्शन इस वाले कनेक्शन में है, और ये वाला जो वाइट कलर का है ये मैग्नेट्रॉन का है, और ये वाला जो रेड है ये इसके ऊपर जो हीटिंग रॉड लग रही है अंदर से वो इस वाले रेड वाले में होना चाहिए। तो मैं कनेक्शन लग करके देखता हूँ। बिल्कुल सही, वो इसी वाले में है। तो हमारे कनेक्शन अभी पूरे मिल चुके हैं, अभी हमें इसमें कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो हमें ढूंढना है। तो अब हमारे कनेक्शन सारे टोटली मिल गए हैं। अब मैं इसका कनेक्शन करूँगा और वो सारी चीज़ें सेटिंग करूँगा जो इस पीसीबी बोर्ड को हटा के हमें मैनुअली स्विच जो है वो सारे इसमें अभी सेट करने हैं। मैनुअली स्विच दो ही है, एक टाइमर और एक सिलेक्शन स्विच, जिससे हम सेलेक्ट कर सके कि कौन सा पार्ट किस समय चलेगा और टाइमर उसे कितनी देर तक चलाएगा। तो ये मैंने टेप हटा दी, सीरीज बोर्ड हटा दिया, और अब मैं जुगाड़ करने में लगता हूँ। तो फ्रेंड, ये वाला जो टाइमर है वो मैं यहाँ नीचे की तरफ लगाऊंगा, इस वाले में। यहाँ पे अभी मैं ड्रिल से छेद करूंगा, और ये वाला जो सिलेक्शन टूल है, सॉरी ये सिलेक्शन स्विच है जो मैं यहाँ ऊपर लगाऊंगा इस जगह पे। तो अब मैं दोनों जगह ड्रिल करता हूँ, और ड्रिल का साइज सेम ही होगा लगभग, दोनों का बिल्कुल सेम है दोनों का। और अब ड्रिल करता हूँ। तो ये वाली बिट काम आने वाली है ड्रिल में, क्योंकि इसका साइज सेम है। और अब मैं इस पर ड्रिल करता हूँ, और सारे ही काम को बिल्कुल आराम से और तसल्ली से करें ताकि कोई खराबी ना हो और साफ सुथरा काम हो जाए आपका। अब जैसे कि ड्रिल किया है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक उठ गया है, तो मैं इसे कटर से थोड़ी सी सफाई कर दूंगा। तो देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी ड्रिल हुई है दोनों में। और इस टाइमर को हम इस तरह से नीचे वाले छेद में लगाएंगे इस तरह से, और अंदर से दो साइड में स्क्रू फिट हो जाएंगे जिससे कि कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं। और सेम छेद इसका भी वही साइज है, और यहाँ पे हम इसे दो स्क्रू से कस देंगे ताकि यहाँ से ये भी कहीं नहीं जाए। तो सबसे पहले कसने से पहले हमें पूरा निशान बनाना होगा इसमें। तो हम यहाँ पे इसका निशान बनाएंगे, जैसे कि मैंने इस छेद पे रख लिया बराबर जगह पे, और मैं निशान बनाऊंगा इससे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे जो है छेद होने वाला है छोटा वाला। तो ये हमने
यहाँ पे निशान कर दिया। अब करेंगे इसका, इसका थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसका जो छेद है जो साइड में है और इस पर मैं निशान जल्दी से नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए कुछ दूसरा आइडिया देखना पड़ेगा। इसे हम सेंटर में रख के ये मैंने सेंटर में रख लिया। अब इसका यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये और ये, यहाँ पे इसका जो है छेद होने वाला है। सबसे पतला वाला जो छेद है वो छेद इसमें होगा। अब जो सबसे पतला वाला छेद है वो यहाँ पे होगा। छेद हो चुके हैं, अब इस छेद की भी हम सफाई कर देते हैं थोड़ी सी। तो ये हो गया छेद परफेक्टली। अब सबसे पहले हम लगाएंगे टाइबर। टाइमर को फिट कर लेते हैं और सारा फोकस करते हैं। ये फिट हो चुका है और दूसरा इसको थोड़ा बड़ा साइज का लगेगा। फ्रेंड इसमें थोड़ा बड़े साइज का इसको जो है बड़े साइज का थोड़ा छेद करेंगे, पूरा फोकस करते जाए अगर तो। मैं इसमें थोड़ा बड़े साइज का स्क्रू लगाऊंगा, तो बड़े साइज का छेद किया। तो ये हो गया बड़े साइज का छेद। एक बार और इधर से साइज का छेद इसका, और इसमें जो है ये टाइमर हम
कई बार स्क्रू जो है लगने में थोड़े तकलीफ देते हैं। अब देखिए पूरा ही मजबूती के साथ में लग गया और इसे हम इजीली यहाँ से आराम से घुमा सकते हैं और अपना वर्क जो है कर सकते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि ऑफ किधर रहेगा ऑन किधर रहेगा, तो हम उसके लिए हम यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर इंडिकेटर लगाने वाले हैं, वो हम अभी आगे कनेक्शन करेंगे, तो आप देखते रहिए। और अब इस ब्लेड का कोई काम नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं ताकि ये हमें जो है डिस्टर्ब ना करे। ये हट गया। ये वैसे किस काम में आती है? पता है ना वो पैनल। तो ये हो गया। अब हमें करना है कि कनेक्शनों को एक जगह जोड़ना है। अब इसमें होगा ये कि जब भी हम ऑन करेंगे तो अंदर एक लाइट और प्लेट की मोटर वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए, और उसका जो कनेक्शन है इस येलो वायर में है, और ये वाली जो वायर है ये हमेशा इसी के साथ में कनेक्शन रहेगा इसका। तो अभी हम करते ये हैं कि इसे हम काट लेते हैं। स्क्रू का काम हो चुका है तो हम डब्बा हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ी पूरी जगह हो जाए। इस पीसीबी का कोई काम नहीं है, ये ख़राब हो चुकी है, और मैं ले लेता हूँ 3 से 4 इंडिकेटर। इसे इंडिकेटर बल्ब बोलते हैं। ये डायरेक्ट एसी वोल्टेज में चलते हैं ताकि ये फूटते नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर बल्ब होते हैं, आपने काफ़ी चीज़ों में देखा होगा। मैं ये 4 रखता हूँ अपने पास में, और फोकस बड़ा तगड़ा हो रहा है इस मोबाइल का। फोकस बड़ा तगड़ा हो रहा है। वीडियो में पूरा पीछे का ब्लर कर दिया इसने। तो अब हम शुरू करते हैं इसे काटना। ये वायर जो है, ये येलो वायर जो है बल्ब के साथ में अटैच है। स्विच इसका ऑलरेडी ऑन ऑफ कर देगा जैसे ही हम गेट खोलेंगे। और हम देखेंगे अब ये वाइट वाली वायर जो है इसकी मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्म की है। इस ट्रांसफार्म की ये वाली वायर है, और ये वाली येलो वायर जो हमेशा हमारे को कनेक्ट करती रहेगी। तो हम इसे पहले छीन लेते हैं ताकि हम एक जगह करें, और उसके बाद हम जो सारी वायरों को जो है शोल्डरिंग करके लगाएंगे ताकि हिट ना हो। तो इसे मैं एक जगह लगा लेता हूँ, और ये हमेशा ऑन रहेगा। जब भी हम ऑन करेंगे तो ये दो इस येलो वायर से अंदर की मशीन और बल्ब हमेशा चालू होगा, और जैसे ही हम गेट खोलेंगे तो मशीन बंद हो जाएगी और बल्ब चालू रहेगा। तो क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक स्विच यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन है, हम स्विच के कोई भी कनेक्शन को हम छेड़ने वाले नहीं हैं, वो सारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। हम छेड़ने वाले हैं तो सिर्फ इसके कनेक्शन, ताकि मैग्नेट्रॉन अपनी हिसाब से चले, हम अपने हिसाब से उसे ऑन करें, और हीटिंग रॉड जो इसमें 2 लगी है वो अपने हिसाब से ऑन करें। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें छेड़ने वाले हैं, बाकी स्विच से रिलेटेड हम कोई भी कनेक्शन को हम छेड़ेंगे नहीं। तो मैं सबसे पहले इन सबको अलग कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था ये तो कॉमन है, ये पावर सप्लाई कॉमन है, तो हम इस पावर सप्लाई में किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ने वाले हैं, खाली इसके कनेक्शन हटाएंगे। ये कनेक्शन जो है ये हमेशा यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये भी हम हटाने वाले नहीं हैं। अब रहा ये वाला जो रिले में लगता है, ये वाला कनेक्टर जो है ये है पीछे वाली मैग्नेट्रॉन का, जो पीछे की तरफ जो लगती है, सॉरी पीछे की तरफ जो हीटिंग रॉड है उसका है। तो इस कनेक्शन को भी हम काट लेते हैं और एक जगह ले लेते हैं। तो ये मैंने काट लिया, और ये वाला जो है उसके लिए है जो बैक साइड में जो हीटिंग रॉड है। अब रही बैक साइड में हीटिंग रॉड जो है वो इस रेड वायर को भी इसके साथ में लगाना है। अब ये रेड वायर क्या काम आने वाली है, ये रेड वायर उसी के साथ में जो फैन लगा हुआ है उसे भी ऑन करेगी, क्योंकि हीटिंग रॉड ऑन होगी तो साथ में उसके फैन भी ऑन होना जरूरी है। तो हम ये वाली रेड वायर भी जो है इसी के साथ में अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, होम अप्लायंसेस का काम शुरू शुरू में तो काफ़ी हार्ड लगता है कि इसकी वायरिंग समझ में नहीं आएगी,
माइंड थोड़ा ऐसे ही पागल सा हो जाता है कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप होम अप्लायंसेस के काम करने लग जाएंगे पूरे दिल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक दिमाग लेके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाली जो वायर मैंने काटी है, ये वाली ऊपर की तरफ जो हीटिंग रॉड है उसकी है, इसे मैंने काट दिया ऊपर वाली हीटिंग रॉड के साथ में। और ये वाली जो वायर है ऑरेंज, मैग्नेट्रॉन का जो फैन है इसकी वायर है, तो इसे भी हम मैग्नेट्रॉन की जो ट्रांसफार्म के साथ में जो अटैच है वायर येलो और वाइट, हम इसको भी इसी के साथ में अटैच करेंगे। तो ये हो गई और ये अलग अलग रहेगी। तो ये हो गई पीछे वाले एलिमेंट रॉड की वायर जो हीट करेगी, ये ऊपर वाले एलिमेंट रॉड की वायर, इसके साथ में कोई वायर अटैच नहीं होगी क्योंकि वो एलिमेंट रॉड जो है सिंगल चालू होता है, और पीछे की तरफ जो है एलिमेंट रॉड और साथ में उसके फैन चालू होगा, तो इसलिए इसके साथ में एक रेड वायर है और एक ब्लू वायर है। और इसके साथ में दो वायर इसलिए है कि इसके साथ में एक तो मैग्नेट्रॉन के पास वाला फ़ैन ऑन होगा, और येलो वायर जो बल्ब और अंदर की प्लेट हमेशा ऑन होगी। इस वायर को हम टाइमर पे सेट करने वाले हैं, और इन दोनों वायरों को सिलेक्शन स्विच जो हमने अलग मैनुअली स्विच लगाया है, जिसमें एक रॉड जलेगी एक नहीं जलेगी, और एक बार सेलेक्ट करेंगे तो जिसपे हम दोनों एक साथ चलेगी, ये सारी चीज़ें होने वाली है। और इसे हम हटा देते हैं, इन कनेक्शनों का अभी यहाँ कोई काम नहीं है। और ये वायर है जो डीसी करंट में है, तो बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड हो ऐसा कुछ भी नहीं है इस वायर के अंदर। और इसे थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पिन जो है किस काम आने वाली है, तो इसे हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें एक पिन और है ये वाली, ये जो है आपके डिस्प्ले जो मैनुअली जो डिस्प्ले पीसीबी लगी हुई थी उसमें डीसी करंट ऑन और ऑफ करने के लिए था, और ये भी उसी के लिए है शायद, ऑन और ऑफ करने के लिए। इसमें से ब्लू वायर जो है इसमें करंट जा कर के इस ऑरेंज वायर में जाता है और ये किसी ना किसी चीज़ को सप्लाई देता है, तो ये उसी के लिए है, हम इसे बाद में देखेंगे। तो अभी जो मेन वायर है वो हमें सारी मिल चुकी है, और ये सेंसर कनेक्शन है इसे हम बाद में जोड़ेंगे, और ये वाली जो वायर है अभी हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी कोई इसका वर्क नहीं आने वाला है, ये मैंने हटा दी। तो ये स्विच के साथ में जुड़ी हुई है, कोई काम नहीं है इसका, ये मैं हटा देता हूँ। ये कोई काम नहीं आने वाली है, ये हमने हटा दी। आप देखेंगे कनेक्शन कौन सा कहाँ होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर के ऊपर दो सॉकेट दे रखे हैं दो, और यहाँ पे नीचे की तरफ से इस सिलेक्शन स्विच पे तीन चीज़ें दे रखी है और इधर से दो, तो यहाँ पे एसी करंट सप्लाई लगेगी, और नीचे मैनुअली सिस्टम है जिसमें से एक रॉड चालू होगी तो एक बंद होगी, और एक चालू होगी तो दूसरी बंद होगी, और एक पे जो है दोनों एक साथ ऑन होगी, और मैग्नेट्रॉन हमेशा ऑन होगा क्योंकि मैग्नेट्रॉन का काम हमेशा ऑन रहता है, और वो हर छोटी मोटी चीज़ को पकाने के लिए दो मिनट की या एक मिनट की सब्जी गर्म करना है उसके लिए हमेशा हमें मैग्नेट्रॉन ऑन ही रहेगा। चाहे आप नॉन वेज में तंदूरी पकाओ या कोई भी तंदूरी आइटम आप पकाते हो, तो उसके अंदर मैनुअल में ये सारी चीज़ें जो है ऑन होगी, जैसे कि बैक रॉड ऑन होगी तो उसके साथ में आपको मैग्नेट्रॉन भी जो है ऑन करना ही पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से पक जाए, पूरी तरह से आपको तैयार मिले अंदर। तो मैग्नेट्रॉन का काम है ये हमेशा ऑन रहती है, चाहे किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी चीज़ बनानी हो इसके अंदर। तो मैग्नेट्रॉन को ऑन करेंगे, और अब मैं इसमें जो है पिन लगा देता हूँ ताकि पिन से जल्दी हम कनेक्शन कर दें। शोल्डरिंग यहाँ पे कम करेंगे, जिस जिस वायर पे चाहिए शोल्डरिंग उसी वायर पे हम शोल्डरिंग करेंगे। तो इस पिन के ऊपर मैं शोल्डरिंग करूँगा सब वायरों को, और इसी पिन का मैं इस्तेमाल करूँगा। हालांकि ऊपर वाले पे पिन की ज़रूरत नहीं है, सीधे तार छिलके और स्क्रू कस जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सीधे तार छिलके स्क्रू जो है कस जाएगा, और यहाँ पे पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास में ये पिन है,
और मैं इस पिन का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे वायर यहाँ पे लगा के शोल्डरिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास में शोल्डरिंग मशीन है तो। तो मैं ये पिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये पिन का इस्तेमाल करूँगा मैं मैग्नेट्रॉन की वायरिंग के लिए। तो जैसे ही ये मैं पिन इसके अंदर डालता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पंच कर लूँगा प्लायर से। तो ये मैंने यहाँ पे पिन लगा दी और अब ये पिन जो है मैं इस टाइमर में लगाऊंगा और टाइमर में हमें जो है एसी करंट लगाना है। ये वाली वायर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो हम इसमें एक जॉइंट कर देंगे ताकि वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये पिन इसमें जो लगी हुई वो छोटी है और ये बड़ी है और इसमें भी जो है बड़ी वाली साइज़ की लगेगी। तो मैं इसे यहाँ से काट देता हूँ और इसमें जो है एक्स्ट्रा वायर हमें जोड़ देता हूँ। ये ब्लू कलर की ही वायर ले लेता हूँ ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी को मैं छील के इसी को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो मैं इसमें टेपिंग ना करके ट्यूब लगाऊंगा और ट्यूब को जैसे ही हम हिट करेंगे तो शिंक हो जाएगी। इसे कहते हैं शिंक ट्यूब बोलते हैं और इसके अंदर डाल के इस वायर को ले कर दूंगा और यहाँ पे इस शिंक ट्यूब को इसके ऊपर लेके जाऊंगा। और मेरे पास में लाइटर है तो मैं लाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके पास अगर माचिस है तो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में शिंक ट्यूब है तो ठीक है, नहीं तो आप टेप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएं। मेरे पास है इसलिए मैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इसे शिंक कर दिया, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ। अभी हमारी वायर जो है थोड़ी लंबी हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इसमें और एक वायर जुड़ेगी जो ऊपर यहाँ से एक सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगी इसके अंदर। तो मैं एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ। इसका इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसमें मैं ये वाइट वाली वायर जोड़ लेता हूँ। साथ में इसे लगा के इसके अंदर भी मैं एक पिन लगा देता हूँ ये वाली और इसे पंच कर दूंगा प्लास। मेरे पास इसका टूल नहीं है, इसका भी एक अलग से टूल मिलता है, क्लिपिंग टूल बोलते हैं। तो मैं पंच से प्लास मर्च कर दूंगा इसे। आप पंच से प्लायर से भी अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो और लूज कनेक्शन ना रहे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे दो वायर, अब इसे हम छीलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इतना क्यों छीला, इसे ऊपर वाले पे हम करंट देंगे, यहाँ पे करंट देंगे। यहाँ पे कैसे देंगे, अब मैं आपको यहाँ पे इस जो ये मैनुअली जो हम लगाने वाले सिलेक्शन स्विच रेगुलेटर सिलेक्शन रेगुलेटर इसे मैं खोल के सारे कनेक्शन करके बताऊँगा और लास्ट में हम टाइमर के ऊपर इसे सेट करके चालू कर देंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट ये होगा कि जब हम इस मैनुअली में मैनुअल स्विच में हम इसे सब लगाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें जल्दी मिलता नहीं है कि किस पे कौन सा कनेक्शन करें।
हालांकि है तो तीन ही, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता। और लास्ट में मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊंगा कि इसमें हमें कितनी कॉस्ट पड़ी है और इसमें मेरा कितना बेनिफिट है और आप लोग कितना बेनिफिट इसमें कमा सकते हैं। अब देखिए मैंने ये निकाल लिया है और इसके अंदर थोड़ा वायर यहाँ से लेकर यहाँ से भी ले सकते हैं अभी तक, और इसे इसमें यहाँ से दो स्क्रू लूज करके ले करता हूँ और यहाँ पे लगा के और पेचकस से इसके स्क्रू जो है टाइट कर लेना चाहिए ताकि जो है अच्छे से फिट हो जाए। लूज रहेगा तो स्पार्किंग करेगा क्योंकि यहाँ पे ये हाई वोल्टेज जो है एलिमेंट रोड चलेगी, इसमें गर्म होने वाली रोड जो ज़्यादा वोल्ट लेती है। अब हमें यहाँ पे तीन कनेक्शन है, तीन कनेक्शन में करना क्या है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक कनेक्शन को खाली छोड़ना है और एक दो में हमें कनेक्शन करना है सिर्फ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो बीच वाले में हम बैक साइड का जो एलिमेंट है वो यहाँ बीच वाले में लगा देते हैं और पेचकस से इसे कस देते हैं और ये वाले जो एलिमेंट की रॉड है वायर है जो छोटी लग रही है मुझे तो थोड़ी देर के लिए हम लगा के देख लेते हैं, शायद नहीं होगी छोटी। और इसमें जो है सेकंड वाले में यहाँ लगा देते हैं तो फ्रेंड ये हो गया इसका कनेक्शन, बिल्कुल सिंपल था। और जैसे ही हम इसे ये जो जीरो दिख रहा है यहाँ पे तो ये ऑफ है, अभी एक पे ले जाएंगे तो एक ऑन होगा बैक साइड का, फिर सेकंड पे ले जाएंगे तो पीछे वाला बंद हो जाएगा और ऊपर वाला एलिमेंट रॉड चालू हो जाएगा, और तीन पे ले जाएंगे तो ये दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे। तो ये इसमें है और ये जीरो पे बंद हो जाएगा, इतना ही है इसमें। तो अब मैं ये पूरा हो चुके हैं, अब सीधा हमें इसमें कनेक्शन करना है और ऑन करना है, उसके बाद ये चालू। बाकी अब रही इसमें इंडिकेटर बल्ब लगाने की, तो इंडिकेटर बल्ब बिल्कुल सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अगर उसी टाइप में लगाना है, आप अगर दो एलिमेंट रॉड लग रहे हो और आपको दो रॉड के हिसाब से दो बल्ब लगाने तो आप दो लगा सकते हो। तो फ्रेंड हम यहाँ पे ये ग्लू गन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इंडिकेटर लाइट को चिपकाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और रही कलर की बात तो कलर एक ही कलर जलेगा, बस हमें ये पता चलेगा कि इसके साथ में मैग्नेट्रॉन ऑन हुई है और मैग्नेट्रॉन के साथ में हमें वो एलिमेंट रॉड ऑन करनी है, तो वो भी एलिमेंट रॉड भी ऑन हुई है। तो इस तरह से हम तीन इंडिकेटर लगाएंगे और मैं फटाफट लगाता हूँ इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे इसे प्लग इन कर देता हूँ और ये गन को भी चालू कर देता हूँ, यहाँ रखता हूँ जब तक ये हीट हो जाएगी। और शोल्डरिंग करनी है मुझे यहाँ पे तीन इंडिकेटर पे, तीनों पे, तो मैं शोल्डरिंग करता हूँ वायरों की। और शोल्डरिंग करने के लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, रंगीन वायर है इसमें, तो तीन इंडिकेटर लगाने हैं तो तीनों के लिए मैं डबल डबल वायर, मतलब टोटली मैं जो है एक दो तीन चार वायर लेनी है। अब चार वायर कैसे लेनी है मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दो तीन चार वायरों को ले करके काट देते हैं। तो ये हमने चार वायर ले ली, तो इसमें करना क्या है तो सबसे पहले मैं इन सबको अलग करता हूँ थोड़ा थोड़ा और उसके बाद में मैं शोल्डरिंग करूँगा और फ्रेंड आप देखेंगे कि हम उसे किस तरह से ऑन करने वाले हैं। ये भी एक टेक्निक है, जब आप काम सीख जाएंगे और आपको कनेक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा पूरी तरह से
फ्रेंड ज़्यादा कुछ हार्ड कनेक्शन नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि माइनस प्लस कौन सा है, मतलब न्यूट्रल और फेस के लिए कनेक्शन कौन सा है, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए और उसी हिसाब से कनेक्शन होते हैं। कोई कनेक्शन में अलग नहीं होता, बस इसमें अगर कैपेसिटर लग जाता है किसी चीज़ में, जैसे कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे और काफ़ी सारे मुझे फ्रेंड व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि एसी का कनेक्शन किस तरह से करते हैं, तो उसमें भी सिंपल सी बात है, न्यूट्रल और फेस लगेगा और एक ग्राउंड, तीसरी वायर जो होती है ग्राउंड के लिए, अर्थिंग के लिए जो ज़मीन से आती है, तो वो मैंने आपको कई बार बताया है मैंने कई वीडियो में, तो अर्थिंग के लिए वायर आती है, अगर आप वो नहीं भी लगाते हो तो न्यूट्रल और फेस का हमें ध्यान रखना है। और जैसे ही हम इनडोर को न्यूट्रल या फेस हम किसी भी चीज़ को देते हैं तो वो ऑन होनी चाहिए, अगर कोई डिफेक्ट है तो वो ऑन नहीं होगी, तो उस डिफेक्ट को सीरीज बोर्ड से चेक करना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे तो उसमें जो करंट है डिवाइड होके जाएगा, वो आपकी चीज़ को ख़राब नहीं करेगा। तो मैं इन्हें अलग अलग कर लिया है अभी, मैंने इन सबको मैं अभी जो है शोल्डरिंग करूँगा थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड ये मैंने छील लिया है, अब इस पर शोल्डरिंग पेस्ट लगा के इन सबको शोल्डरिंग से शोल्डरिंग कर लूँगा। दिखाऊँ शोल्डरिंग? और ये रहा हमारा शोल्डरिंग पेस्ट, सब पे लगा रहा हूँ मैं, ये लगा दिया। और ये है शोल्डरिंग वायर, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। सिंपल सी बात है, इनके ऊपर हल्की हल्की शोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये अपनी पकड़ बना ले शोल्डरिंग से। तो ये मैंने इसकी शोल्डरिंग कर दी है। अब मुझे तीन एलईडी बल्ब लेने हैं और तीनों ही एलईडी बल्ब की भी शोल्डरिंग इसी तरह से करनी है, तो तीनों को मैं पेस्ट लगा देता हूँ अच्छे से ताकि इस पे जो है शोल्डरिंग हो जाए। तो ये मैंने सब पे शोल्डरिंग कर दी है, अब हमें करना ये है कि इसमें से सबकी एक एक वायर को एक जगह हमें शोल्डरिंग करनी है। क्योंकि ये कॉमन बनाना है हमें इन्हें सबको, ये कॉमन बना देता हूँ मैं इनको और यहाँ पे शोल्डरिंग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसे शोल्डरिंग करके कॉमन बना दिया और इसमें चार कलर हैं, सारे अलग अलग हैं, तो मैं इसमें येलो कलर को कॉमन कर देता हूँ इनके ऊपर। और इसे शोल्डरिंग कर देता हूँ इन सबके साथ में। तो ये मैंने शोल्डरिंग कर दी है और अब इन तीनों वायरों को एक एक पे शोल्डरिंग करनी है। तो मैं पहले एक बार इनको अच्छे से जो है मर्ज कर देता हूँ इस तरह से पकड़ के। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सारी को शोल्डरिंग कर दी है और तीन अलग अलग हो गई और एक कॉमन हो गई, इसमें एक वायर जो एक जगह लगेगी और तीन जो है तीन जगह डिवाइड होगी। अब तीन किस जगह डिवाइड होगी, एक तो होगी मैग्नेट्रॉन में डिवाइड और एक होगी एलिमेंट में जो है हीटिंग रॉड है उनके अंदर, तो ये तीन एक जगह डिवाइड होगी। अब एक होगी
एक बल्ब जो होगा हम जैसे ही ऑन करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो है माइक्रोवन ऑन हो चुका है। एक बल्ब उसके लिए होगा। एक बल्ब ये होगा कि हमें जब भी छोटी मोटी चीज़ें जो गर्म करनी होती है, चाहे सब्जी हो या कोई चावल हो, तो मैग्नेट्रॉन ऑन होते ही इससे इंडिकेटर जैसे ही चालू होगा तो ऐसे पता चल जाएगा कि मैग्नेट्रॉन ऑन हो चुका है। तो एक बल्ब उसके लिए। अब एक बल्ब है कि हमारी हीटिंग रॉड ऑन हुई है या नहीं हुई है, उससे ये पता चलेगा कि ऑन हुई है या नहीं हुई है। तो एक इंडिकेटर उसके लिए है, हीटिंग रॉड के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अब हम इनको सारी एक जगह कनेक्शन कर देते हैं। और कनेक्शन किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया, इसमें येलो वायर जो है कॉमन है। अब कॉमन वायर जो है कॉमन की जगह पे जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन वायर कहाँ पे है, कॉमन वायर हमें ढूंढनी है ये अर्थिंग की। ये है इसमें कॉमन वायर, मेन वायर जिसे हम कहते हैं, और ये वायर इसी में से डिवाइड होती हुई सब जगह सप्लाई जा रही है। तो मैं करूँगा ये इसमें, इस वायर को जो है इस बल्ब में ब्लैक निकलती हुई इसमें जा रही है। तो फ्रेंड ये ब्लैक वाली जो है इसमें कॉमन हो चुकी है। अब मैं इस ब्लैक वाली को हल्का सा छील के इसके साथ में शोल्डरिंग कर दूंगा। तो छीलूंगा कैसे, इसे थोड़ा सा गर्म कर दूंगा।